इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज इस मौजू पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुस्लिम समाज, मुस्लिम माशरा बिल्कुल दिशाहीन यानी गुमराह नजर आ रहा है। फिर आप किसी भी पस मंजर में ले लिया जाए, अगर किसान एहतजाज कामयाब हुआ है तो इसके पीछे किसानों की कुर्बानियां, इनके इस्तकामत, इनका जज्बा, क्योंकि इस एहतजाज को खत्म करने की बारह कोशिशें इसी मोदी हुकूमत की जानिब से की गई। यहां तक कि सड़कों को कभी जेसीबी से खंडक, कभी सड़कों पर कीले गाड़ दिए गए, ऐसे मंजर खड़े कर दिए गए जैसे लग रहा था कि दिल्ली शायद किसी और मुल्क के सरहद का हिस्सा है और मुल्क के किसानों को ही दुश्मनों की तरह बर्ताव किया जा रहा था। खैर, आखिर जीत सच्चाई की हुई और इसलिए हुई क्योंकि किसी तहरीक, किसी एहतजाज को कुर्बानियों के बगैर सींचा नहीं जाता और तकमील तक पहुंचाया नहीं जाता। अब अगर इसी पस मंजर में देखा जाए तो भारत का मुस्लिम समाज भी बहुत बड़ा होने के बावजूद मुंतशिर है। शाहीनबाग के वक्त इसी सिख समाज ने खाने के इंतजाम, खाने के लंगर लगाए गए थे और साथ में भी खड़े रहे। लिहाजा इस बात का अफसोस भी होता है कि हम किसी और के एहतजाज या किसी और समाज पर ज्यादती होती रहती है तो वहां अपना भी कुछ सरमाया, कुछ मदद करने की बजाय इसे किनारा कशी करने की कोशिश करते रहते हैं। हर जगह पर संकुचित यानी तंग नजरिया हमारा माशरे में पाया जाता है। अगर किसी बात पर एहतजाज भी करते रहते हैं तो मसल के मुफाद को मुस्लिम माशरे पर तरजीह दी जाती है। एक एहतजाज को मिल्लत का मसला बनाने की बजाय छोटी ज़हनियत के साथ मसलक के एहतजाज, ताकि इसका क्रेडिट किसी और मसलक के हद तक सीमित यानी महदूद रहे, इस पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। और जब हमारे माशरे पर जुल्म ज्यादती होती रहती है तो उम्मीद भी बहुत बड़ी करते हैं कि हमारे माशरे के लिए दिगर माशरे के लोग आकर हमारे साथ खड़े हो जाए, जबकि हम किसी और के मुश्किलात का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक है, ये एक हरम पाक, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। एक जगह यूं कहा कि जबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब इतनी बड़ी कौम मिल्लत होने के बावजूद भी आज दुनिया की मजलूम तरीन कौम बनकर रह गई है। किसान कितने थे और किसानों में भी सिख समाज का बड़ा हिस्सा रहा, लेकिन अपने मौकूफ पर डट गए, कुर्बानियां पेश की, लिहाजा मुसलमानों में तो कुर्बानी देने का मौकूफ है ही नहीं। सब कुछ बैठे जगह पर, एसी में बैठ कर इनकलाब चाहने वाली कौम है तो वो सिवाय हम है और कोई भी नहीं। और जिस रविश के साथ हमारी जिंदगी गुजर रही है इसका मुस्तकबिल बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जबकि आज भी भारत में जो मुसलमान रहते हैं दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी आबादी के तौर पर है, लेकिन जब जहन गुलाम बन जाता है तो आपके हलक से आवाज भी निकलना बंद हो जाती है, जबकि तुम्हें इस मुल्क का संविधान आवाज उठाने की इजाजत देता है। लेकिन संविधान को हमने समझा ही कहा है, आवाज तब उठा करती है जब उसे इसका एहसास हो कि तुम एक मजलूम कौम में शरीक हो चुके हो, तुम्हारे हक को मारा जा रहा है। हम पर हो रहे जुल्म का ही एहसास ना हो तो कहां से अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे और कहां आवाज उठा पाओगे, जबकि हमको हमारी आवाज संविधान के दायरे में रहकर उठानी है। आज भी हो जो इब्राहिम से ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। आज भी धर्म परिवर्तन कानून, ट्रिपल तलाक का कानून, CAA NRC, नई एजुकेशन पॉलिसी के तमाम एक समाज को निशाना बनाने के लिए कानून बनाए गए और कुछ बनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या किसानों जैसा जज्बा इस कौम में पाया जा सकता है? जो कौम महज अपनी औलाद, अपनी बीवी, बच्चों को अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का इसलिए सोच रही है क्योंकि वो उससे दुनिया कमाए, वो क्या मैदानों में उतर कर इनका मुकाबला कर सकती है? और क्या आपके बच्चों को IAS IPS अफसर बनाकर इस मुल्क के संविधान की हिफाजत के लिए खड़ा कर पाओगे, जबकि एक बड़ी कुव्वत मुल्क के निजाम को बदलने की कोशिश कर रही है और तुमने अपने बच्चों को बड़ा अफसर बनाकर दुनिया ही कमाने की तालीम दी है? तो उसमें आप इंतहा की बुजदिली ही पाओगे और किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते नहीं पाओगे। आज जो हुकूमत अख्तदार पर है एक विचारधारा से मुतासिर है, उन्हें हर हाल में संविधान बदलना है, मनुस्मृति को लाना है। क्या आप भी सैकड़ों मुसलमान या दलित पिछड़े तबकात के अफसरान नहीं है? फिर जुल्म के खिलाफ कितने अफसरों ने इस्तीफा देकर गलत पॉलिसियों के खिलाफ या मजलूमों पर हो रहे जुल्म ज्यादती पर आवाज उठाई? वो इसलिए कि हमारा खून अब पानी बन चुका है, हमने अपने बच्चों को रुपये कमाने के लिए पढ़ाया तो वो बड़ा बनकर रुपये ही कमाएगा, इसका दिल किसी गरीब को देखकर नहीं पिघलेगा क्योंकि इसकी तरबियत ही इस तरह की हुई है। वरना कहीं सुना है कि आला अफसरान के खिलाफ किसी अकलेती तबके के अफसर ने जुल्म ज्यादती पर सवाल किया? लिहाजा आज किसानों ने जिस तरह एक तकबरी बादशाह, तकबरी हुकूमत को एक पैगाम दिया कि मुस्तकिल जद्दोजहद कभी जाया नहीं जाती, मजबूरी में बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर कानून वापसी को गोदी मीडिया के जरिए पेश किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई सभी जानते हैं कि मोदी हुकूमत
किसान एहतजाज पर घुटनों पर आ चुकी है और यही तरीका हो सकता है। यकीनन शाहीनबाग एहतजाज भी तारीखी रहा। किसानों के एहतजाज को भी कोरोना के आड़ में नाकाम करने की कोशिश की गई, लॉकडाउन के बहाने खत्म करने की कोशिश भी, पथराव गोलियां भी चलाई गई, यहां तक कि किसानों के टेंटों पर टिकरी गाजीपुर बॉर्डर पर पथराव कर डराया गया। लेकिन मोदी हुकूमत के तमाम मंसूबों को अपनी कुर्बानियों के जरिए नाकाम किया गया। महज जुल्म का रोना रोकर इंतखाबात या तब्दीलियां नहीं लाई जा सकती। और इतना बड़ा मुस्लिम माशरा होने के बावजूद आज भारत में निशाने पर है। ताज्जुब है कि हर बार किसी न किसी बहाने निशाना बनाया जाता है और हम है कि ऐसे जी रहे जैसा कुछ हुआ ही नहीं। तब्दीलियों के लिए कुर्बानियां लाजिम है, पर जिस कदर मिल्लत का तकरीबन और बाशऊर तबका इस तरह बेहिस बनकर रहेगा, इन्हें अपनी जिल्लत बेइज्जती का एहसास नहीं होगा। जुल्म सितम की दास्तानें यूं ही रकम की जाएंगी। मुझे तो डर है कि तातारियों से भी कहीं गई गुजरी कौम न बन जाए। आज भी उसी छोटी सोच का शिकार एक कौम हो चुकी है। ऐसी कौन से लोग होंगे जो मसल की नफरत इंतहा तक पाई जाती है। अगर कोई बजरंग दल आरएसएस या किसी और फिरका परस्त तंजीम का अफराद नजर आता है तो तुम्हारे चेहरे पर खौफ नजर आता है। और अगर मसल की बुनियादों पर तुम्हारा खून जोश मारने लगता है, यानी बहादुरी जरूरतमंदी अपनों पर ही आजमाई जा सकती है। अपनों पे सितम गैरों पे कर्म वाला मामला देखा जाता है। लिहाजा माशरे को बहुत कुछ सीखना होगा। जो तालीम मोहब्बत अखवत वाली हमारे आकाए मदनी ने हमें दी थी उस पर अमल करनी होगी। लेकिन शायद हमने तमाम तालीमात के खिलाफ वर्जी की कसम खा रखी है। नबी अपनों पे नरम और जालिमों पर सख्त हुआ करते थे और यही पैगाम दिया, लेकिन हमारा मामला उल्टा है। पड़ोसियों के बारे में जो बताया गया इसमें भी हमने अपने पड़ोसियों से इंतहा की दुश्मनी रखी है, जबकि दोनों मोमिन हैं। आज तक छोटी सोच और तंग नजरी के साथ जिंदगी गुजारी है, अब तो लोगों ने जनाजे में भी शरीक होना छोड़ दिया है। महज घर के लोग ही आपको नूरानी मस्जिद के इहाते में नजर आते हैं और अक्सर तो जनाजे की नमाज में भी शरीक नहीं होते। मतलब किस हद तक हमारे अंदर बेजारी पाई जाती है। आखिर मुस्लिम माशरे के किन जख्मों को बताया जाए। आज ही के दिन कॉलेज को जाने वाली मुस्लिम लड़की के लिए दो मुस्लिम लड़के आपस में लड़ रहे थे, यहां तक कि मामला हाथापाई पर आया। दोनों लड़के उस लड़की को अपनी मोहब्बत होने का दावा कर रहे थे और लड़की भी दोनों लड़कों को मोबाइल के जरिए बेवकूफ बना रही थी। मतलब जब घर की इज्जत इल्म सीखने के बहाने बाजार की जीनत बन रही है तो क्या इससे इल्म की माशरे को जरूरत है। आज कॉलेज में पढ़ने के लिए निकलने वाले कई लड़कियां घर से आजाद होकर बाहर निकलने का जरिया बना बैठी है। कॉलेज शैतानों के अड्डे बनते जा रहे हैं। मोबाइल ने तो माशरे के लड़के लड़कियों को फहश और हुरियानियत के बाजार में लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत वक्त जिंदगी के आदि बनते जा रहे हैं। यह माशरा जब अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता तो दूसरों की खातिर क्या खाक लड़ेगा। बिना खराज के इनकलाब लाने की उम्मीद में अय्याश परस्त कौम कभी मैदानों में फतह नहीं पाया करती। इसलिए किसी शायर ने कहा कि वो तिफल क्या लड़े जो घुटनों के बल चलते हैं। गुरुग्राम में नमाज को लेकर हिंदुत्ववादी तंजीमों ने जातियों की नमाज की जगह पर गोवर्धन यानी गोबर की मूर्ति बनाकर पूजा पाठ किया गया। मुसलमानों के लिए इंतजामिया के साथ नमाज पर रोक लगा दी गई। ऐसे वक्त में भी सिख समाज ने नमाज के लिए गुरुद्वारे के दरवाजे खोल दिया। शाहीनबाग में भी मुस्लिम समाज के लिए लंगर लगा दिए गए। लेकिन क्या कभी हमारे मुस्लिम समाज की जानिब से मुस्तकिल एहतजाज में शिरकत हुई। जंग तो सभी की थी लेकिन किसानों के साथ खड़े होने की हमें तौफीक नहीं हुई। कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा लिया होगा और लिया है, लेकिन क्या हम वहां पर मुस्तकिल रहे। लिहाजा आज हम पे जुल्म होता है तो हम दूसरों से उम्मीद लगाए बैठते हैं। एक कौम कैसे तब्दीलियां रोनुमा कर सकती है जिसे एहसास ही नहीं कि जुल्म क्या है। और एहतजाज भी जब मसलकों में बंटने लगते हैं तो इतनी बड़ी कौम जिसकी तारीख से दुनिया आज भी हैरान है, साबित होता है ये वो कौम नजर नहीं आ रही जो किसी भी इंसानियत पर जुल्म होते तो अपने लश्कर दौड़ा देते थे। आज ये खुद माजूर है। तभी तो कहा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज भी वो वक्त है। जो भी माशरे को हमारे दरमियान बैठकर तोड़ना चाहता है इन्हें समझो। मसल के इख्तलाफात को ऐसे वक्त में बढ़ावा देता हो तो यकीनन आगे बहुत बड़ा नुकसान का बास बन सकता है। अपनों के साथ दिगर माशरे पर हो रहे मजालिम पर भी आवाज उठाए। मैं दो चार मेमोरेंडम देकर बहुत बड़ी कुर्बानी पेश करने की तस्वीर न बनाए, छोटी सोच से बाहर आए। कम से कम इतना तो हमने किया, ये वाली सोच भी नुकसानदेह है। एक दूसरे का मुआवजा ना करें, हमने ये किया तुमने क्या किया, कम से कम इतना तो किया, ऐसे नहीं चलेगा। नमाज इबादत सामाजिक खिदमत इमदाद महज अल्लाह के लिए रखे, इसका अजर तुम्हें मिलेगा। कितने घरों को राशन दिया, कितने फूड पैकेट्स बांटे, इसका हिसाब आवाम के बजाय अल्लाह को दे दो। बाढ़ में कोरोना में काम किया है तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन यही मेरे जिम्मे था और मैंने किया। इस गलतफहमी में ना रहना, क्योंकि जानों की कुर्बानी की बुनियाद पर इस समाज में बदलाव आता है। आज कुर्बानियां पेश करोगे तो तुम्हारी औलाद को इसका फायदा होगा, वरना अल्लाह और उसके दीन को जरूरत नहीं है कि हमारी नमाजें इबादतें हमारे इमदाद जो 500 रुपए देकर हजार मरतबा दौड़ाते रहते हैं तो पलट कर ये हमें ही मिलने वाला है, दुगना बनकर दिया जाता है अल्लाह की जानिब से। लिहाजा किसानों ने यह कर दिखाया, 750 से भी ज्यादा किसान
इस एहतजाज में अपनी जानों को खपा चुके हैं। किसका बेटा होगा, किसका भाई होगा, किसका बाप होगा। गाड़ियां इन पर चलाई गई, गोलियां चलाई गई, इन पर मुकदमे, लाठियां बरसाई गई, जो भी हो आखिर में मोदी हुकूमत फैसला लेने पर मजबूर हो गई। और अक्सर कहते हैं कि मुट्ठी भर ये लोग इनकलाबात बर्पा करते हैं। किसानों ने एक बार फिर इसे साबित कर दिया। जरूरत है, भारत के मुस्लिम माशरे को अभी भी वक्त है, आवाजें बुलंद करो, क्योंकि आवाजों को कभी दबाया नहीं जा सकता। कंगना रनौत के खिलाफ आवाज उठना शुरू हुआ है। वैसे मुल्क के दिगर इलाकों से कई फरियाद दर्ज होने की इत्तला हासिल हुई है। बेलगाम से भी वकील हर्षवर्धन ने एक अर्जी के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल करने और मुल्क को आजादी भीख में मिली है कहने पर पद्मश्री अवार्ड को वापस लिया जाए और इस पर मुकदमा दर्ज कर सजा का मुतालबा भी पेश किया गया। मुजाहिद आजादी की भीख कहकर तौहीन कोई भी देशभक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा इस पर कार्रवाई करे, ऐसा खत एडवोकेट हर्षवर्धन ने सदर हिंद रामनाथ कोविंद को भेजा है। किसानों के तीन काले कानून मोदी हुकूमत ने वापस लिए। किसानों में इत्मीनान देखा जा रहा है। उसी नहज पर हलगा मच्छे बाईपास को लेकर एहतजाज कर रहे किसानों को भी राहत देते हुए हाईवे के काम पर अदालत ने रोक लगा दी है। बेलगाम के फोर्थ एडिशनल जेएमएफसी अदालत ने काम को रोकने का फैसला सुनाया है, जिससे अब हाईवे अथॉरिटी को जेसीबी और दीगर औजारों को हटाया जाएगा। किसी भी फसल को हाथ ना लगाने का भी हुक्म देने की बात कही जा रही है। 2019 से हलगा मच्छे बाईपास का मामला जेर अदालत रहा, पर अब पिछले 10 दिनों से बाईपास सड़क के कामों को तेज किया गया था, जिससे किसान काफी परेशान थे, लिहाजा आज आखिरकार राहत मिल ही गई। अब बेलगाम शहर साफ सुथरे शहरों में शुमार होता दिखाई दे रहा है। कुल 300 शहरों का जायजा स्वच्छ भारत अभियान के तहत हुकूमत की जानिब से सर्वे किया गया, जिसमें बढ़त हासिल करते हुए 172वें नंबर पर बेलगाम शहर आ चुका है। वाजा रहे कि सफाई सर्वे 2019 के मुताबिक 277 पर रहा, फिर तो 2020 में 269 पर रहा, लेकिन 2021 में बढ़त हासिल करते हुए 172वां नंबर हासिल किया है। इसका मतलब भारत के साफ सुथरे शहरों में बेलगाम आगे बढ़ रहा है, ये भी एक तरह से इत्मीनान की बात कह सकते हैं। बेलगाम कैंटोनमेंट बोर्ड लेकिन अपने मकाम को कायम रखने में नाकाम रहा और 10 नंबरात नीचे फिसल गया है। रहमान फाउंडेशन की जानिब से मकतबे नुमानिया में आज ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें 75 के करीब लोगों ने ब्लड डोनेट किया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज 20 नवंबर मकतब नुमानिया के अंदर रहमान फाउंडेशन की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। इसका मकसद ये है कि ज़रूरतमंदों को वक्त पे ब्लड मिले, क्योंकि नुमानिया हॉस्पिटल में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स आते हैं, कभी ब्लड की कमी, एचबी की कमी होती है, स्पेशली लेडीज़ के अंदर खून की कमी होती है, तो उनके अटेंडर्स है या फिर उनके रिलेटिव्स भी तैयार नहीं होते खून देने के लिए, तो परेशान रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल से रहमान फाउंडेशन ब्लड डोनेशन कैंप्स करके इसी एक कमी को पूरा कर रहा है। इससे बस मकसद ये है कि इंसानियत की खिदमत हो जाए ब्लड डोनेशन के ज़रिए से, और एक बोलते हैं भाईचारगी का, मोहब्बत का माहौल बन जाए, बस यही कोशिश रहमान फाउंडेशन की जानिब से।